मेष, गणेश जी कहते हैं कि आज आपका मित्र समूह के साथ आनंद प्रमोद करने का दिन है। नई मित्रता के कारण भविष्य में भी लाभ हो सकता है, संतानों से भी लाभ होगा, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। वृषभ, गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन नौकरी करने वालों के लिए शुभ है, नए कार्य का आयोजन सफलता पूर्वक कर सकेंगे, पदोन्नति भी हो सकती है, आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, सरकारी लाभ मिलेगा। मिथुन, किसी भी नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। नौकरी या व्यापार में भी विपरीत परिस्थितियां रहेंगी, इससे उच्च अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, खर्च भी अधिक होगा। कर्क, गणेश जी कहते हैं कि प्रत्येक विषय में आज सावधानी पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद न करिएगा, अधिक खर्च होने की भी संभावना है। सिंह, वैवाहिक जीवन में आपस में तकरार होने से पति पत्नी के बीच में तनाव होगा, अपने भागीदार तथा व्यापारियों के साथ धीरज से काम लेना, कोर्ट कचहरी के कार्य में सफलता कम मिलेगी, सामाजिक तथा बाह्य क्षेत्र में यश नहीं मिलेगा। कन्या, आज के दिन आप स्फूर्ति तथा स्वस्थता का अनुभव करेंगे, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा, मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे, कार्य संपन्नता के कारण आपको यश मिलेगा। तुला, आपका दिन मध्यम फलदायी होगा, संतानों की चिंता आपको सताएगी, विद्या अभ्यास में बाधाएं आएंगी, वाद विवाद या बौद्धिक चर्चा से दूर रहिएगा, नए कार्य का प्रारंभ आज करने पर वह सफल नहीं हो पाएगा, मान भंग हो सकता है, प्रवास टालिएगा। वृश्चिक, आज शांत चित्त से दिन बिताने की गणेश जी आपको सलाह देते हैं, संबंधियों के साथ मनमुटाव हो सकता है, आर्थिक हानि की संभावना है, किसी भी प्रकार के दस्तावेज करने में सावधानी बरतिएगा। धन, नए कार्य के प्रारंभ के लिए आज का दिन शुभ है, भाग्य में वृद्धि होने की संभावना है, रहस्यवाद तथा आध्यात्मिकता में अधिक रस लेंगे, कार्य सफलता का दिन है, सामाजिक दृष्टि से मान सम्मान मिलेगा। मकर, आज के दिन परिवारजनों के साथ कलह के प्रसंग ना हो, इसका ध्यान रखने की गणेश जी सलाह देते हैं, शेयर सट्टे में पूंजी निवेश करने का आयोजन आप कर पाएंगे, आरोग्य मध्यम रहेगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देना होगा। कुंभ, आज का दिन शुभ फलदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं, शारीरिक तथा मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, परिवारजनों के साथ प्रवास में सुरुचिपूर्ण भोजन करने तथा भेंट उपहार करने पर आप आनंदित होंगे। मीन, लोभ या लालच में न फंसने की गणेश जी सलाह देते हैं, आर्थिक विषय में बहुत सावधानी बरतिएगा, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, एकाग्रता भी कम रहेगी, धार्मिक कार्यों के पीछे धन का खर्च होगा, परिवारजनों से मतभेद होने की संभावना है।